हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी व्लॉग जो है वो मैं सुबह के 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। बस हस्बैंड ऑफिस गए हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले, और खाना वगैरह सब मेरा बन चुका है। किचन का काम लगभग हो चुका है पूरा, खाना वाना बन गया, बच्चे भी स्कूल गए, उनका लंच वगैरह हो चुका। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। किचन मैंने साफ कर दी थी और घर की कोई सफाई नहीं हुई है, वो सब मैं करूंगी बाद में। पूजा भी मैंने कर ली है। आप लोग देखो तो घर में थोड़ा थोड़ा धुआं भर रहा है, वो धूप बत्ती का है। ये देखो आप लोग, आरती किए हुए मुझे काफी टाइम हो गया है। मैंने 9 बजे लगभग आरती कर ली थी, तो दीपक तो बुझ गया है, लेकिन अभी धूप बत्ती जो है वो जली रही है। और आज मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगाए, वो भी धुल रहे हैं। तो आइए पहले आपको दिखा दूं अपनी मशीन, कपड़े मेरे लग रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह मैंने इनसे कुछ चीज़ें मंगवाई थी अपने नाश्ते के लिए, सुबह चाय के साथ के लिए, तो ये लेकर के आ गए। ब्रेड रखा हुआ था, 3 पैकेट ये बिस्किट लेके आए। मुझे ये बेकरी वाले बिस्किट ना काफ़ी पसंद है। और ये जो नमकीन लेकर आए ना, ये भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे मथुरा में ऐसी नमकीन लाए हैं। वरना क्या हुआ था, जब हम लोग सिकोहाबाद गए थे ना, वहाँ की नमकीन मुझे बहुत पसंद आई थी, तो उसी टाइप की ढूंढ के ये मथुरा में लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी है ये वाली नमकीन। और एक रस्क का पैकेट है। तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया। और उसके बाद फिर बस मैंने बनाई अपने लिए चाय गर्मा गर्म। अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ घर पे, तो अपने लिए ही बनाई। और मिल्क जो रखा था बॉईल करने के लिए, दोनों ही रखे हुए थे। बस मैंने सुबह खाना बनाया था और किचन विचन साफ करके, और बाकी कोई काम किया नहीं था। तो अब चलिए मैं पी लेती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने चाय तो मैंने पी ली है गाइस। तो अभी ये वाला रूम फिलहाल ठीक कर देती हूँ, और फिर हॉल ठीक करूंगी, फिर अंदर वाला बेडरूम ठीक करूंगी। वैसे तो ये वीडियो थोड़े दिनों पहले का है, बट जा रहा है आज 1 जनवरी को न्यू ईयर के दिन। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर मेरे सारे व्यूअर्स को, और आप सभी लोगों का ये नया साल बहुत अच्छा जाए, मैं भी विश करती हूँ। और आप लोग मेरे वीडियोस में मेरे साथ बने ही रहो, इसी तरह यही विश करती हूँ। न्यू ईयर का व्लॉग भी जल्द ही आएगा, देखते हैं क्या करना है न्यू ईयर पे। ठंड तो खैर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग का वैसे क्या प्लान है सेलिब्रेशन का, क्या किया आप लोग ने? कुछ लोग 31st को भी करते हैं, कुछ लोग न्यू ईयर पर भी करते हैं। तो जो भी हो, आप लोग मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। मैं इंतज़ार करूंगी आप लोग के कमेंट का कि आप लोग क्या कर रहे हो। फिलहाल हमारा जो भी रहेगा वो तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी ही व्लॉग में। और बस अभी देखिए वही साफ सफाई जो है वो चल रही है। खैर आज ज़्यादा घर नहीं गंदा हुआ है, किसी किसी दिन तो बहुत फैल जाता है, किसी किसी दिन ठीक ही हालत रहती है घर की, उतना नहीं है। लेकिन थोड़ा बस वही डस्टिंग वाला जो भी काम था वो सब मुझे करना था। और यहाँ पर कपड़े रखे हैं तो ये सब मशीन में डालूंगी, लेकिन आज तो मशीन मैंने सुबह सुबह लगा दी। अब ये मैं किस नेक्स्ट डे डालूंगी जब मैं मशीन लगाऊंगी। अभी ये जब सारे कपड़े धुल जाएंगे ना, तब फिर मैं डाल दूंगी इन्हें मशीन में, चलाऊंगी तो नहीं, अभी 2-3 दिन बाद ही। और धूप भी बढ़िया निकली हुई है। बस मुझे रेलिंग साफ करनी थी, क्योंकि यहाँ ना हर दूसरे दिन डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो गंदी लगने लगती है काफ़ी रेलिंग। तो मैंने बस एक कपड़ा लेकर के फटाफट से रेलिंग जो है वो साफ करना स्टार्ट किया, और तब तक मशीन में कपड़े भी धुल गए। तो अभी चलिए मशीन में से कपड़े निकाल करके ड्राई करते हैं, और सारे कपड़ों को डाल देते हैं धूप में। सुबह सुबह डाल देंगे तो वो टाइम से सूख ही जाएंगे। ड्राई किए हुए कपड़ों में तो आसानी रहती है सूखने में, और जैसे हाथ से धुले रहते कपड़े बुने तो बहुत टाइम लग जाता है सूखने के लिए। बस देखिए मैंने सारे कपड़े जो है वो फैला दिए हैं धूप में, अब ये सूखते रहेंगे। अब मैं कर लेती हूँ कंघी। मैंने कंघी नहीं की, मैंने आज सुबह हेयर वॉश भी किया था। और हेयर वॉश करो ना उस दिन, तो मुझे सुबह सुबह कंघी करनी होती, वरना मेरे बाल बहुत टूटते हैं। तो बस देखिए हो गई कंघी भी हो गई, और काफ़ी बाल मेरे ख़राब भी हो गए, आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे हो, बहुत ज़्यादा बाल जो है वो मेरे ड्राई हो चुके हैं। फिर मैं अंदर आ गई थी, मैंने लगा लिया अपने लिए खाना। गाइस कपड़े तो धुल गए हैं, और जो डोर मैट मैंने बाद में डाले थे ना, डोर मैट भी धुल गए हैं। तो अभी मैंने लगा लिया अपने लिए पराठा सब्जी और अमरूद, क्योंकि अमरूद मुझे बहुत पसंद है। तो मैं खा लेती हूँ, और टाइम बता दूँ अभी 1:30 बज गए हैं। तो ये खा करके मैं अब टीवी देखूंगी। वीडियो तो मेरी अपलोड हो गई है, 12:30 बजे ही मेरा व्लॉग जो है वो लाइव हो गया था। मैं अभी टीवी देखते देखते अपने पराठे सब्जी और साथ में अमरूद खत्म करूंगी। और ऐसे अकेले ना मुझसे बैठ के अच्छा नहीं लगता खाने में, तो फिर मैंने वही टीवी खोल ली। मैंने कहा चलो टीवी देखते देखते खा ही लेंगे। फोन मेरा
रखा हुआ है साइड में भी, उसे एक चार्जिंग में भी लगाना है, कम चार्ज है मेरा फोन। आ गए मेरे बच्चे घर, और यशी का कोई पार्सल आया है क्या? दिखा इसमें क्या क्या है भाई। वाह इतनी सारी चीजें, वाह स्केल, इतनी सारी चीजें, डायरी भी है, दिखाना बेटा डायरी। ओहो क्या बात है, बड़ी चीजें आई हैं, इतनी सब चीजें पार्सल में तुमने मंगवाई हैं, है ना? आप भी खुश हो क्या? वाह एक और हो गई क्या? अब चलो ड्रेस भी चेंज करो अपनी। आयना ने एक दिन आपको दिखाया था, मैंने एक बॉक्स मंगवाया था अपने पापा से, तो यशी ने मुझसे भी ऑर्डर करवा लिया, तो बस ये पार्सल आज ही आया है, और आते ही ये लोग को मैंने दे दिया स्कूल से जब आई, तो बस लग गई है उसी को देखने में कि क्या क्या है क्या नहीं। का बैग भी यूनिकॉर्न वाला इसमें लगा ली यशी ने, की रिंग भी यूनिकॉर्न वाली, और ये देखो यशी का बॉक्स भी यूनिकॉर्न, पेंसिल भी यूनिकॉर्न, ये पेन है पेंसिल, ये वाली पेंसिल भी यूनिकॉर्न, सब कुछ यूनिकॉर्न वाला। मम्मी यशी की चोटी भी यूनिकॉर्न वाली। आयना और यशी आ गई हैं, तो इनके लिए मैं खाना लगा दूं, दाल और चावल बस, रोटी नहीं खाएंगे लोग, 4 बजने वाला है अब। बच्चों की आजकल छुट्टी बहुत देर में हो रही है, 3:20 पे हो रही है, तो घर आने में काफ़ी टाइम लग ही जाता है, आधे घंटे तो मान लो कि आप लग ही जाता है, फिर बच्चों के कपड़े वपड़े चेंज कराने में वही 4 के आसपास का टाइम हो जाता है, तो इस टाइम पहले जब ये लोग आती थे ना, तो मैं इन लोगों को रोटियां भी दे देती थी, बट अब टाइम नहीं रहता, अब 4 बजे इनका बिल्कुल भी मन नहीं होता कि रोटी दाल चावल सब कुछ खाएं, तो फिर मैंने कहा कि चलो दाल और चावल ही खा लो, रोटी रहने देंगे, क्योंकि ये सुबह भी एक एक पराठे ये लोग खा करके चले ही जाते हैं, और फिर लंच में भी 2 पराठे मैं दे ही देती हूँ, तो इसलिए अब 4 बजे तो इनको बिल्कुल भी मन नहीं होता फिर, क्योंकि 5:30 बजे इन्हें ब्रेड भी चाहिए होता है चाय के साथ। ये देखो फ्रेंड्स पूरी कुर्सी भर गई है कपड़ों से, इतना लंबा बिल्डिंग तैयार कर दी है मैंने, अब इनको रखेंगे कपड़ में। अभी आयना को मिला हुआ है कुछ एक्टिविटी चार्ट पेपर में, मतलब करना है, तो वो ही मैं देख रही थी कि क्या क्या बनाने के लिए दिया हुआ है, तो 3 चार्ट पेपर है, 3 सब्जेक्ट के हैं, एक में बनाना है वो ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड और एयर, तीनों का बनाना है, और एक में हिंदी का कुछ मिला हुआ है इनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो हिंदी का है, और एक शायद मैथ का है, तो वो सब, हाँ मैथ्स का मेजरमेंट, मास, लेंथ, ये सब चीज़ें थी, तो मैंने बना लिया, बस इसमें कलर करना बचा है, तो कलर क्या मेरे पास स्केच पेन मुझे मिल नहीं रहते, ख़त्म हो गए इन लोग के आना और यशी के साथ, तो फिर मैं बाद में करूँगी। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह सेट करने लगी थी, और ये वीडियो उस दिन का है जो क्रिसमस वाला व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया था ना। क्या हुआ यशी, उठ नहीं पा रही क्या? उठने की कोशिश करो, ट्राई उठ गई। हे भगवान यशी तो उठ ही नहीं पा रही थी आज। उस दिन हुआ क्या था, जब मैं वीडियो बना रही थी ना, जिससे शूट कर रही थी वो वाला फोन मेरा डिस्चार्ज हो गया था, और फिर मैं कहा 1-1.5 घंटे मैं व्लॉग के लिए वेट तो नहीं करूँगी, तो मैंने सोचा था कि दूसरे वाले फ़ोन से क्लिप मैं शूट कर लेती हूँ और फिर उसमें मैं ये ऐड कर दूँगी, बट मैं ये ऐड करना भूल ही गई, व्लॉग मेरा चला गया, अब मैंने क्लिप तो शूट करी है, तो बिना मैं अपलोड किए कैसे रहूँगी, तो इसलिए मैं इस वाले में आप सभी के साथ ये वाला व्लॉग जो पार्ट सा छोटा सा वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। अभी चली जाओ बेटा, देखाओ बसेरा में क्या हो रहा है, जाओ पापा कैसे, जाओ फिर से करके दिखाओ पापा कैसे कर रहे थे। फिर से करो बेटा, ऐसे कर रहे थे पापा। दीदी देखो लो, कहाँ जा रहे हो मेरे बिना? आपने मुझसे पूछा भी नहीं, पहले आप जाओ देख के वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है जाओ देखो, अंकल से पूछ लेना, अंकल आज यहाँ पे कुछ इस क्रिसमस की पार्टी वार्टी होगी कि नहीं, होगी तो फिर ले चलेंगे, ठीक है।
तो उस दिन हुआ क्या था ना, ये लोग बच्चे बड़े परेशान थे क्रिसमस के लिए क्या करें क्या करें। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर पे इन लोग का करवा दूंगी, लेकिन फिर बाद में मैंने इन लोग को बसेरा भेज दिया था, तो ये लोग गए हैं और जब तक ये लोग आएंगे तब तक मैं आराम से अपना खाने पीने की तैयारी कर लूँगी। तो आप लोगों को पता ही है उस दिन मैंने पनीर बनाया था, तो बस वही सब खाने पीने का वीडियो इसमें रह गया था, तो यहाँ पर ऐड कर दिया। बना लेते हैं सब्जी फटाफट, पनीर की, चावल। आयना और यशी को तो मैंने भेजा हुआ है बसेरा इनके पापा के साथ, मैंने कहा जाओ देख के अगर बसेरा में कुछ पार्टी वार्टी चल रही होगी, क्योंकि वहाँ पे ना क्रिसमस में न्यू ईयर में करवाते हैं, सेंटा को भी बुलाते हैं, तो फिर मैंने इसीलिए उन लोगों को भेज दिया। अगर वहाँ कुछ हो रहा होगा मैं अभी रेडी होकर जाऊँगी। मैं अभी इसलिए नहीं गई क्योंकि खाना बनाने में लेट हो जाता काफ़ी, तो मैं सोची जब तक ये लोग आएंगे तब तक मैं खाने की तैयारी कर लूँगी, लेकिन लाइट ही चली गई तो मिक्सी चल नहीं पा रही है, वरना मैं सब्जी बनाकर रख देती। अभी इंतजाम तो मैंने लगा ही दिया है और बस थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, फिर क्रिसमस की तैयारी करनी है। और वॉशिंग मशीन मेरी अभी तक नहीं बन पाई है, सुबह से जिसको ये कॉल कर रहे थे वो बोल रहा है एक घंटे में आ रहा है, लेकिन अभी आ नहीं पाया। तो फिर मैंने कॉल किया, मेरे पास था एक इलेक्ट्रीशियन का नंबर, लेकिन उसने भी बोला 1.5 घंटे बाद ही आएंगे, तो पता नहीं कब बन पाएगी। और मशीन में कपड़े पड़े हैं सुबह से 10 बजे, तो आ ही नहीं रही थी। फिर इधर तरफ वॉश बेसिन के पास पे एक स्विच है, तो उधर क्या इन्वर्टर का कनेक्शन है, तो फिर मैंने इधर तरफ मशीन लगाई, वॉशिंग मशीन बोलने जा रही थी, मिक्सी लगाई मतलब, और फिर पीसा। और फिर देर हो रही थी ना, तो फिर मैंने टमाटर प्याज दोनों साथ में पीसा, वैसे फर्स्ट टाइम ऐसे सब्जी बनाऊंगी, देखूंगी कैसी बनी है। और मैंने ना पुलाव के लिए उसमें डाल दिए मटर। चलिए ये वाला वीडियो यहीं एंड करते हैं।